नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आई नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। तमिलनाडु के सांसद ए गणेश मूर्ति की गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो 24 मार्च को ही इरोड से लोकसभा सांसद गणेश मूर्ति ने MDMK से टिकट न मिलने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। भारत चीन सीमा विवाद के बीच दोनों देशों ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीजिंग में एक बैठक की। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा विवादों को लेकर बुधवार को चीन की राजधानी बीजिंग में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने की। उन्होंने बीजिंग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दूसरी ओर से चीन की तरफ से चीनी विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच बुधवार को रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच हार्दिक पांड्या की टीम को 31 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में तमाम रिकॉर्ड बने। पैट कमिंस की अगुवाई में टीम ने IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। 20 ओवर में टीम ने 3 विकेट गंवाकर 277 रन बनाए। इस मामले में उन्होंने 11 साल पुराना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुंबई इंडियंस इस लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही। पांड्या की अगुवाई में टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 246 रन बनाए। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र 2024-25 शुरू हो रहा, किंतु अभी तक विद्यालयों में किताबें नहीं पहुंची। कुछ जगहों पर जिला व तो कुछ जगह ब्लॉक स्तर पर अभी किताबें पहुंची हैं। ऐसे में शुरुआती दिनों में बिना किताबों के ही पढ़ाई होगी, जबकि पिछले साल मार्च में किताबें स्कूल तक पहुंच गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। हाल ही में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें हरियाणा के कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी भी बना दिया। नवीन जिंदल की मां और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बुधवार को देर शाम इसकी जानकारी दी। जम्मू शहर में ई बसों के अनुशासनहीन संचालन का आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्टरों ने गुरुवार को जम्मू, सांबा और कठुआ जिले में चक्का जाम कर दिया। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया। इससे आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। हालांकि जम्मू शहर में ई बसें चल रही। पंजाब में मौसम में एक बार फिर से बदलाव आएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान पंजाब के तकरीबन सभी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बिजली चमकने के साथ बारिश होगी। इससे दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अपने प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया। भानु की जगह नए कैंडिडेट का ऐलान आज ही होने की संभावना। भानु प्रताप सिंह अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी चलाते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन इनका मेरठ से कोई वास्ता नहीं था। उनकी टिकट की घोषणा के बाद से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खुला विरोध किया, जिसके चलते पार्टी को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। नया प्रत्याशी व्यस्त दलित या मुस्लिम समाज से हो सकता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अब हौद भराई पूजा पर रोक लगा दी गई। मंदिर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से हौद भराई पूजा को बंद करने का आदेश दे दिया है। मंदिर के ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी बुकिंग भी बंद कर दी गई। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने हौद भराई पूजा को अशास्त्रीय बताते हुए इस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। यह सब चुनावी चक्र है। जनता जनार्दन के मूड का पहिया बड़ी तेजी से घूमता है। इनका मत ही सत्ता के शिखर पर पहुंचाता है तो कुर्सी से बेदखल भी करता है। गांधी परिवार की भी कहानी कुछ ऐसी है। चुनाव दर चुनाव रायबरेली व अमेठी जैसे मजबूत गढ़ में ही कांग्रेस का वोट बैंक की सत्ता गया। रायबरेली से सांसद बन इंदिरा गांधी को अमेठी जीत कर दिल्ली पहुंचे। राजीव गांधी ने देश की सरकार चलाई। समय का तकाजा है कि आज गांधी परिवार संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।